हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे DRDO CEPTAM टेक्नीशियन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आंसर की का क्या अपडेट है, अभी तक क्यों नहीं इसका आंसर की जारी हुआ, रिजल्ट कब तक जारी होगा। काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके लगातार आ रहे हैं और इसके ऊपर हमने अपडेट देने के लिए आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आपको कुछ अपडेट आज मिल जाए, क्योंकि आज 16 दिसंबर हो चुका है, यानी ऑलरेडी आधा दिसंबर बीत चुका है, बट अभी तक इसके रिजल्ट या और इसके आंसर की को लेकर इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या नई अपडेट आ चुकी है और क्या जो है अभी हमारे पास जो है जो एनालिसिस निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे स्रोत रहे हैं, जो जिनसे हम पता करते हैं, उसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, आज स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले देर न करते हुए दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो सरकारी फॉर्म का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल का क्यों ना हो, जी हाँ, हम आपके लिए सभी प्रकार के सरकारी जॉब का जो है नोटिफिकेशन लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पर। साथ ही हम आपको यहाँ पर देते हैं स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट न्यूज चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आइए देर न करते हुए बात करते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 दिन चला था, 28-29, लेकिन उसके बाद एक दिन बाद में वापस से हुआ 23-10 को। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो दोस्तों जो 23 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि आपको पता है 28-29-30 के बाद एक दिन का कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है अक्टूबर 23 को वापस हुआ, तो 23 अक्टूबर से लेकर अगर हम आज की तारीख जोड़े, तो चलिए दोस्तों हम पहले वो पता कर लेते हैं कितना समय आपका बीत चुका है। नवंबर मंथ पूरा हो गया और ये दिसंबर, तो लगभग 2 महीने का समय बीतेगा ये 23 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए CBT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जल्द से जल्द 15 दिन या 20 दिन के अंदर जो है आंसर की जारी कर देते हैं, ताकि ये बच्चे लोग जो भी हैं, जिनका भी कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ होते हैं, वो अपने सारे चेक कर लेते हैं कितने मार्क्स आपने राइट किए, कितने गलत, क्योंकि जब कट ऑफ आती है तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है इस प्रकार। तो यहाँ पर जो है आंसर की का सिर्फ यही अपडेट होता है कि आंसर की का देने का अर्थ सिर्फ ये है कि आप अपने उत्तर मिला लीजिए। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर DRDO का आंसर की जारी नहीं होता। जी नहीं दोस्तों, आपको जो है पिछले अपडेट के हिसाब से नहीं चलना है, आपको जो है लेटेस्ट चलना है। लेटेस्ट क्या है कि अब जो CBTs के एग्ज़ाम होते हैं, अब उनके आंसर की जारी कर रही है सरकार, तो आपको जो है पुरानी चीज़ों को भूल जाना है, कि जरूरी नहीं कि DRDO ने अगर कभी पहले नहीं जारी किया तो अब भी नहीं जारी करेगी। हर चीज़ें में बदलाव होता है, इस बार भी बदलाव हो रहा है, यहाँ पर भी इस बार आंसर की मिलेगा आपको, आप आंसर की चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखे जाए तो आप एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ था, और 3 शिफ्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 दिन यानी कि 12 पेपर टोटल होते हैं, क्योंकि 28 को एग्ज़ाम हुआ, 29 को हुआ, फिर 30th को हुआ और फिर 23rd को हुआ, तो इस प्रकार 4 दिन हो गए ये टोटल आपके मिला के, और 4 दिन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 12 पेपर जो होता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि आंसर की आपको जो है जारी किया जाएगा और जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस यहाँ पे अपनाया जाएगा, क्योंकि पेपर की संख्या 5 से बढ़ गई है, तो यहाँ पर ये चीज़ दोनों चीज़ें होने वाली है आपके साथ DRDO टेक्नीशियन के इसमें। और इसके बाद दोस्तों लेट क्यों हो रहा है, उसकी वजह भी आपको पता है कि इसके बाद इन्होंने 224 पोस्ट के लिए जो है जारी कर दिया था अपना एडमिनिस्ट्रेटिव का, और उसके बाद जो है अभी दोनों जो है मर्ज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मर्ज किया जाए देखा जाए समय का है, एक में ही आ गए थे दोनों, जिसकी वजह से आगे पीछे करना पड़ा। अब टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो आपको पता है कि ये ITI वाली थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो थी वो नॉन ITI वालों के लिए भी थी और ITI वालों के लिए भी थी। तो यहाँ पर जो है अभी तक का जो अपडेट था कि सेकेंड वीक, जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वीक के दिसंबर में अभी तक ने सभी लोगों ने अपना अपना एक्सपेक्टेशन दिया था। जी हाँ, कि एक्सपेक्टेड डेट जो है सेकेंड वीक तक आपको जो है इसका आंसर की जारी हो जाएगा, रिजल्ट जो है इसका फाइनल दिसंबर के एंड तक। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख को जो है जारी करने की पूरी संभावना थी। काफ़ी लोगों का मैंने भी जो वीडियोस देखा और काफ़ी एनालिटिक्स भी किए हम लोगों ने, और काफ़ी कुछ चेक करने के बाद अगर वेबसाइट्स की थ्रू बात करें तो सभी वेबसाइट पे भी यही न्यूज़ थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी होती हैं, समटाइम्स हो जाती हैं और समटाइम्स कभी कभी नहीं होती। मोस्टली दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट जो दिया जाता है वो पिछले साल की तुलना में, और जो भी एनालिसिस होता है, जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं IBPS के थ्रू, चाहे DRDO, चाहे UPSC MPSC, इसी हिसाब के सभी के जो एनालिसिस निकाला जाता है उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फुल एंड फाइनल मैं आपको यही कहूँगा कि इसका आंसर की जारी होगा, लेकिन इस महीने के अंत तक या तो जारी हो जाएगा या फिर आपको भी इंतज़ार करना होगा नए साल का। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत में ही जो है सब कुछ हो सकता है, बट देखा जाए कि एडमिट वाला जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का भी है DRDO में, तो यहाँ पर इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि ANA वाला यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला
इसका जो है जनवरी में जारी करने की पूरी संभावना थी, तो इसलिए टेक्नीशियन का जो है वो अभी भी 90% चांस है दोस्तों कि आपका जो है दिसंबर में ही जारी कर दिया जाए आंसर की। जी हाँ दोस्तों, तो अभी भी पूरी उम्मीद बनी हुई है कि किसी भी तारीख को जो है दिसंबर में कभी भी जो है अपडेट कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और जैसे ही हमें कोई भी ऑफिशियली अपडेट मिलती है या फिर जो हम सोर्स के थ्रू बात करते हैं, जो भी अधिकारी से जो हमारे कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जो हमारे थोड़े पहचान में आ जाते हैं, या फिर किसी के थ्रू से हम जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, अगर हमें मिलती है तो हम जल्द से जल्द आपके लिए एक नई अपडेट के साथ वापस आएंगे एक प्रॉपर डेट के साथ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ था कि आप लोग काफ़ी जो है पैनिक हो रहे थे कि सर कब तक आएगा, अभी तक कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, कुछ अपडेट नहीं आई, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दिया रहा हूँ कि 90% चांस है अभी भी, क्योंकि अभी 14 दिन बाकी है दिसंबर महीने में और आपको पता है कि एक दिन में भी आपका जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, बस आपको इंतजार है रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट जरूरी है दोस्तों। तो आंसर की पहले जारी होगा, उसके बाद आपका इसका रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद जो है आप अपना चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट्स हो और भी कुछ मन में सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।